हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ पानी फल से बनने वाली ये बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी। दोस्तों, इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। गाइज, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए जल्दी से ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर मैंने लिया है पानी फल यानी कि सिंघाड़े, उसके छिलके मैं उतार ले रही हूँ। तो इस तरह से अच्छे से इसके छिलके को उतार लेना है। इसी तरह से हमें सभी पानी फल को तैयार कर लेना है। तो गाइज, ये तैयार हो गई है। आगे मैंने लिया एक बर्तन, बर्तन में डाला है दूध। दूध को अच्छे से उबाल लेंगे दोस्तों। तो गाइज, इस तरह से हमें दूध को अच्छे से उबाल लेना है ताकि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो ये अच्छे से गाढ़ी हो गई है, तो फ्लेम को कर लेंगे ऑफ। चलेंगे अगले स्टेप में। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक मिक्सी जार, जिसमें हम पानी फल को ऐड कर लेंगे। तो चाकू की मदद से इस तरह से काटते हुए हम इसे मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे। तो सभी पानी फल को हमें इसी तरह से ऐड कर लेना है। और अब इसमें हम काजू ऐड किए हैं, साथ ही इसमें किशमिश ऐड कर लेंगे। इन सभी चीजों को डालकर लीड लगाएंगे और पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो गाइस देखिए, पेस्ट जो है तैयार हो गई है। आगे मैंने लिया एक कड़ाही, कड़ाही में ऐड कर रही हूँ पोस्तो यानी कि खसखस। इसे डालकर हमें इसे हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इसका कलर हल्का चेंज हो जाएगा और इसमें अलग सा स्मेल जो आने लगेगा, तो समझ जाइएगा कि ये जो है रोस्ट हो गई है। तो गाइस देखिए, इसकी कलर जो है चेंज होने लगी है। तो ये अच्छे से रोस्ट हो गई है। तो इसे अलग बर्तन में ट्रांसफर करेंगे और इसी कढ़ाई में हम वापस से ऐड करेंगे घी। और अभी हमने जो पानी फल का पेस्ट बनाकर तैयार किया है उसे कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। कढ़ाई में ऐड करने के बाद हम इसे चलाते हुए अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। गाइस 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इस तरह का मिश्रण जो है बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम चीनी ऐड कर रहे हैं। चीनी को ऐड करके हमें इसे अच्छे से चला लेना है। गाइस चीनी को ऐड करके हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो गाइस ये अच्छे से इस तरह से जो है मेल्ट हो जाएगी। अब हमने जो दूध उबाला था उसे हम इसमें ऐड करेंगे। दूध को ऐड कर लेने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस इसी तरह से चलाते हुए हम इसे वापस से 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये अच्छे से जो है सेट हो जाए। तो चलाते रहिएगा, देखिए इस तरह का जो है मिश्रण बनकर तैयार होने लगेगा।
तो गाइस 2 मिनट पकाने के बाद देखिए ये इस तरह का मिश्रण बनकर तैयार हो गया है। तो फ्लेम को कर लेंगे ऑफ। आगे मैंने लिया है एक थाली, थाली में ऐड की हूँ घी। घी को ब्रश की मदद से पूरे थाली पे अच्छे से फैला ले रही हूँ। और अब हमने जो सिंघाड़े का मिश्रण तैयार किया है उसे इसमें ऐड कर लेंगे। सभी को मैंने इसमें ऐड कर लिया और अब इसे हम हल्का ठंडा होने देंगे ताकि हम इसे हाथों से छू सके। तो ये हल्की ठंडी हो गई है, तो मिश्रण को हाथों में इस तरह से लेना है और इस तरह से हमें गोल करना है। गाइस आप हाथ में घी लगाकर कीजिएगा ताकि ये अच्छे से जो है गोल हो जाए। तो इस तरह से दोनों हाथों की मदद से हम इसे गोल कर लेंगे। तो इस तरह से हमें तैयार कर लेना है और अब इसे हम पोस्तों से अच्छे से कोटिंग दे देंगे। तो गाइस इस तरह से हमें इसे अच्छे से जो है खसखस से कोटिंग कर देना है और इसका लुक अच्छा लगे इसमें मैं यहाँ पर मैंने लिया है किशमिश, उसे हम बीच बीच में इस तरह से लगा देंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पर टूटी फूटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें सभी को जो है बनाकर तैयार कर लेना है। तो सभी को मैंने तैयार कर लिया है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि पानी फल से कितनी आसानी से बहुत ही कम सामग्री में एक स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी तैयार हो जाती है, तो आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और ऐसे ही इजी और डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। जब तक कि चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।